एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर के जरिए खुद को मजबूत करते हुए पार्टी को रीशेप करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिविर के दूसरे दिन पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, सुनील जाखड़ ने शनिवार को अपने दिल की बात कहते हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही साथ कांग्रेस के कई दिग्गजों पर निशाना साधा। सुनील जाखड़ ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर पार्टी के नाम एक संदेश दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है, गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति पर सवाल उठाए और आलाकमान पर निशाना साधा। यही नहीं, सुनील जाखड़ ने राजस्थान में 2020 में आए राजनीतिक संकट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और सुनील जाखड़ ने क्या क्या बड़े बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दे, अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तो सवाल उठाए ही, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की सलाहकार अंबिका सोनी, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत सहित अन्य नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। सुनील जाखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस से नाता तो टूट गया, परंतु 50 साल का जो रिश्ता था उसकी ठीस मुझे आज भी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल उठाते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। तो कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस, परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो, परंतु उससे भी ज्यादा जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना हो के चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि दो सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ, क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक, क्या क्या वो सोच लेके आए थे, क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया, क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है, सारा दायित्व तो इनके कंधों पर मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था, ये एक कड़ी थे यहाँ से लोगों पर बात करने के लिए। वहीं अंबिका सोनी पर निशाना साधते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि अंबिका सोनी जी के एक जबान ने, मैं समझता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस को, तो कांग्रेस का तो बंटा उन्होंने बेड़ा डुबाया, परंतु उन्होंने पंजाब के माथे पे कलंक लगाया, सिखों के माथे पे कलंक लगाया, सिक्खी के माथे पे कलंक लगाया, उन्होंने
हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को निरादर किया, क्या ऐसे नेता का कांग्रेस में बने रहने का कोई हक है, कोई औचित्य है? अगर औचित्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समागम के अंदर जब उदयपुर में वो बैठी हैं और आपके साथ मंच पे बराबर बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करें कि उठ के वो बताएं कि पंजाब व्हाट इज सिखिज्म, सिखिज्म है क्या जिसको उन्होंने इतना बड़ा दोष लगा दिया? दिस इज नथिंग। उनका ये बयान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ दांगे लेके घूम रहा है। हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की ये जो कोशिश, खुदा आपकी सलाहकार अंबिका सोनी जी और उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं, जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिस समय ये फैसला हो रहा था, चार पांच जो यहां थे और वो चार पांच मोस्टली आज वहां आए हुए हैं आपके पास वक्ता के तौर पे, उनको मेलकाप करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंत्री तो पंजाब में आग लग जाएगी, परंतु सोनिया जी पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिखी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत दा भला, गुरु महाराज का मूल मंत्र, आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में। वहीं खुद को मिले नोटिस का जिक्र करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि के मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस, वो तो हमको कहे काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। तो मालोगी साहब, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ सोनिया जी, शायद आपको मालूम नहीं था, मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सुबहों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक फरमान जारी किया कि सुनील को पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है, मेरे पास पद था कौन सा साहब? मेरे पास तो एक विचारधारा है, वो आज भी मेरे पास है, मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूँ। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई होगी, सुनील तो जाखड़ तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, हम तो जहां हैं वहीं खड़े हैं। परंतु जिन्होंने, वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने, सिलीके से न तोड़ा, बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को, 50 साल तीन पीढ़ियों का संबंध है, मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि जुलाई 2021 के अंदर ये कहकर कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ मिलकर काम करता, उनका बहुत नजदीकी है, मिले हुए दोनों, नए कांग्रेस प्रधान को बनाया गया और उसके बाद जुलाई 21 को नए कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी बनते हैं और उसके बाद 6 महीने तक सारी AICC सारी कांग्रेस इसी बात को लगी रही कि पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उसके बाद में चरणजीत चन्नी, इन दोनों को आपस में कैसे इकट्ठा बिठाया जाए, कैसे PCC प्रधान और मुख्यमंत्री मिलकर काम करें। रावत साहब को भेजा इसलिए गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज सिटिंग प्रिटी, उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। सोनिया जी, डिस्टेबलाइज तो विरोधी पार्टियां करती हैं, आप तो यू आर द पेरेंट पार्टी कांग्रेस हाईकमांड वहां पर बैठे, आप पंजाब में क्या डिस्टेबलाइज करवाना चाहती थी? कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन, और इसका रेमिफिकेशन देखिए, आज नोटिस आया कुछ दिन पहले, मेरे को नोटिस देने के बाद में एक नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी दिया गया। मेरे बहुत से डिफरेंसेस हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के लिए नोटिस दिया गया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने चरणजीत चन्नी के खिलाफ बोला, उनको नोटिस दिया गया। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरा एक सवाल है, और मैं माननीय बड़ी, मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का, अशोक गहलोत जी आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या जो सुनील को नोटिस दिया गया? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? और आपके यहां तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा, और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा आपकी सरकार के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहां 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए, उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए?
उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं। यही नहीं, सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वह पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले, साथ ही राहुल गांधी चापलूसों से खुद को दूर रखने का भी काम करे। अब आखिरी में मैं कांग्रेस को गुड लक और अलविदा कहता हूँ। आपको बता दे, कांग्रेस ने हाल ही में सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। पंजाब कांग्रेस ने उन्हें 2 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करने की सिफारिश की थी, जिस पर सोनिया गांधी को फैसला लेना था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।